हेलो फ्रेंड्स, जब यूपीएससी प्रिपरेशन की बात आती है तो उसमें एनसीईआरटी जो बुक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा पता है कि एनसीईआरटी बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोई और बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, लेकिन जो एनसीईआरटी जो आपका जो बेस बनाती है वो और कोई बुक्स नहीं बना सकती। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है और उसमें से कैसे हमें नोट्स बनानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर मैंने 9th की एनसीईआरटी बुक, ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी बुक ली है। इसमें मैं आपको दो पैराग्राफ एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसे पढ़ना है और कौन से पोर्शन को हमें हाईलाइट करना है और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें से हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। तो इधर मैंने दो पैराग्राफ मैं आपको इधर रीड करके दिखाऊंगा और उसको हाईलाइट भी करूंगा और उसमें से नोट्स भी बना के दिखाऊंगा। सो लेट स्टार्ट। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक? यू माइट हैव श्योरली गोन टू अ पार्क इफ यू लिव इन अ सिटी और टू अ मैंगो गुआवा और कोकोनट ऑर्चर्ड इफ यू लिव इन अ विलेज। How do you differentiate between the natural vegetation and the planted vegetation? तो इधर सब कुछ एक इंटरैक्टिव वर्ड्स सेंटेंसेज यूज़ किए हुए हैं। तो आपको पता है ये 9th स्टैंडर्ड की बुक है, तो 9th स्टैंडर्ड जब स्कूल चिल्ड्रन को जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं बताने होते हैं तो ऐसे थोड़ा इंट्रैक्शन करके हमें बताएंगे तो उनको ज़्यादा लाइक जल्दी समझ में आएगा। तो उसी लिए ये सब ऐसे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें ये सब नोट नहीं करना है, हमें बस जस्ट रीड करना है। इसलिए आपको एक बुक पहले फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट एक बार रीड कर लेनी है और रीड करने के बाद तुम्हें सेकंड रीडिंग में ही आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप जब पहले ही अगर नोट्स बनाना शुरू करोगे तो क्या होगा, आप सारे जो पॉइंट्स हैं सबको आप अपनी नोट्स में कॉपी कर लोगे, फिर रिवीजन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप एक बार फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट पेज तक आप रीड करो और फिर जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तब हाईलाइट करना, और सेकेंड रीडिंग में जब तुम हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ोगे, तुम बाकी का पोर्शन नहीं पढ़ोगे तो हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ोगे, तो उसमें और थोड़ा फिल्टर ऑफ करके उसको अपनी नोट्स में हमें कॉपी करना है। ओके, तो कौन सा पोर्शन हमें हाईलाइट करना है, सो कौन सा कॉपी करना है? तो इधर दिया हुआ है, देखो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीशीज टू एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन फुली एज पॉसिबल। ये ऑब्वियसली पता है हमें, तो इसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है और कॉपी में नोट्स में लिखने की भी जरूरत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय मैक्सिमम अपने दिमाग में जितना जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अपने दिमाग में जितना बैठा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप टोटली नोट्स में रिलाइड रहोगे, हम नोट्स में पढ़ लेंगे करके आप रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिवीजन टाइम में। तो मैक्सिमम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसको पढ़ते समय आप अपने दिमाग में ग्रास्प कर लो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं, बस उनको आप नोट्स में कॉपी करो। तो इधर दिया हुआ है, इंडिया इज़ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ओके फाइन, हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। तो इधर एक फैक्ट दिया हुआ है तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो अगेन इधर एक फैक्ट दिया हुआ है, द डेल्टाइक रीजन्स हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। ओके, द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टाई एंड वैरायटी ऑफ बुशेज एंड थॉर्नी वेजिटेशन। तो इधर ये सब फैक्ट दिया हुआ है तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ऑब्वियस हमें पता है जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, सॉइल टाइप और वेजिटेशन सब चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ओवर द रीजन। तो इसको आप कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट दिमाग में बैठा लो कि फाइन ये सब हो रहा है। एंड इधर दिया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अमाउंट सच प्रोमिनेंट फीचर्स वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेट रीजन इन फॉरेस्ट कैन डिवाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ऑफ दिया हुआ है कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो इसमें मैं जस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन कवर करूंगा। एंड सो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे हमें मिलते हैं, सो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इसको हमें हाईलाइट करना है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। सो एनुअल प्रेसिपिटेशन उधर 200 सेंटीमीटर अबव है, सो हैवी रेनफॉल है। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज अबव 22 डिग्री सेल्सियस, तो उधर का टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो इधर ट्रीज जो है आपके देखो वेल स्ट्रेटिफाइड हैं और लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड। सो इधर एक एवरग्रीन में क्या एक पेक्यूलर थिंग है, आपको हर साइज़ के ट्रीज वहाँ पे मिलेंगे। एक ट्री पास में देखो तो करीब 100 मीटर का होगा, पास में उसके पास एक 10 मीटर का भी नहीं होगा, उसके पास देखोगे तो एक श्रब्स होगा। तो ऐसा आपको वैरायटी ऑफ ट्रीज इधर मिलते हैं, तो उसी को यहाँ पे बताया हुआ है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रेटिफाइड विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाई टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज, जो मैंने बोला था। सो ट्री की जो हाइट है वो मैक्सिमम 60 मीटर और अबव तक जाती है। एंड नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स एंड फ्लावरिंग एंड फ्लोरेशन।
तो इधर क्या है, हमेशा इसका नेम देखो एवरग्रीन लिखा हुआ है, तो विच मीन्स हमेशा ग्रीन। तो इधर क्या है, जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है, एक ट्री का जो शेडिंग ऑफ लीव्स होगा, उसका जो टाइम जब वो अपने जो लीव्स हैं उन सब नीचे गिरते हैं, जो बाजू वाले ट्री में उधर फ्लावरिंग टाइम होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमेशा ग्रीन ही दिखता है ये ओवर द व्यू, लाइक ऊपर से देखा जाए तो। सो इसीलिए इसका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सो उसी को दिया हुआ है। एंड दिस फॉरेस्ट एंड या इट्स गिवन सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ओवर द ईयर। स्पीशीज फाउंड कौन कौन से इधर, रोज वुड, महगनी, आइनी एंड एबोनी। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो कौन कौन से स्पीशीज इधर है। सो सेम गोज टू, सो ये ही पैटर्न है। अब ऐसे ही आपको मतलब ये जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, आपको सब हाईलाइट नहीं करना है। अभी मैंने इधर दो पैराग्राफ पढ़े हैं, दो तीन पैराग्राफ पढ़े हैं, तो इसमें हमने बस सर्टेन पोर्शन हाईलाइट करा है। और जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आप ये सब स्किप कर दो, क्योंकि आपको मालूम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करा है। एंड सो इसको आप पढ़ोगे, इसको पढ़ने के बाद आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। ओके फाइन। सो इसमें भी आप थोड़ा नोट्स जब लिखोगे, इसको पूरा नहीं लिखना है। अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, जस्ट ट्राई टू मेक इट इंटू 2 और 3 लाइन्स। सो 2 या 3 लाइन में आप अपने नोट्स बनाओ। सो मैं दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एक नोट बनाएंगे। सो कहाँ पे ये सब मिलता है, सो वेयर दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके सो एनुअल प्रेसिपिटेशन अबाउट 200 सेंटीमीटर एंड मीन एनुअल टेम्परेचर दिस इज ऑल्सो अबव 22 डिग्री सेल्सियस। एंड एक छोटा सा नोट, पर इतना दिया हुआ है कि इधर क्यों एवरग्रीन है। सो सिंपली वाई एवरग्रीन, नो स्पेसिफिक टाइम फॉर श्रेडिंग एंड फ्लावरिंग ऑफ ट्रीज। आप बस एक लाइन पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अपने दिमाग में सब ऑलरेडी आपने ग्रास्प करा हुआ है। तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे नोट्स को, तो इस लाइन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन। सो दिस इज द रीजन फॉर दिस। और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज, इम्पॉर्टेंट स्पीशीज एक्चुअली बहुत है, लेकिन इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको दिया हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, इम्पॉर्टेंट स्पीशीज और रीजन, रेनफॉल, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये सब जो होते हैं, ये सब बहुत ज्योग्राफी में जो है ग्रे एरिया है, इधर का हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एंड बहुत थोड़े लाइक क्या सब थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप के होते हैं, इधर जो फैक्ट्स है सब थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो आपको रेगुलर रिविजन बहुत ज़रूरी होता है इस पोर्शन में। ओके फाइन। सो हमने इधर पढ़ा, इतना पढ़ा है, तो उसको मैक्सिमम हमने कंसोलिडेट करके इतना सा नोट्स बना लिया। सो आपके रिवीजन टाइम में वंस यू जस्ट हैव टू रीड दिस, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना और बुक वुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप नोट्स ऐसे कन्फाइंड नोट्स बनाओ। सो दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारी बुक्स है, तो आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रीड एन एनसीईआरटी बुक एंड टेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। एंड आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड मैं फर्दर वीडियोस में आपको और स्ट्रैटेजीज और शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सब मैं हिंदी में और इन अपकमिंग वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।